स्नैपड्रैगन ने अभी तक का सबसे पावरफुल चिप को अनवील कर दिया है, स्नैपड्रैगन 8 प्लस जिन 1। नहीं, नाम जितना कंफ्यूजिंग है ना उतना ज्यादा ही पावरफुल ये चिप है। जैसे इस चिप को स्नैपड्रैगन ने अनवील किया ना, मानो तो हर कंपनी राजपाल यादव बन गई है। एक करके हर स्मार्टफोन कंपनी ने ये अनवील कर दिया है कि स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 के साथ में उनका एक नया फोन आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन सा भला वो फोन होगा। आज बात करने वाले हैं सभी फोन्स के बारे में। वीडियो मजा आए तो वीडियो को एक लाइक करना, एक मिनट देख लो पसंद आए तभी टोकना। क्विकली बात कर लेते हैं स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 भला कितना पावरफुल है। देखो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर इस चिप को इसके प्रेडिसेसर से कंपेयर करो ना तो 10 टाइम्स आपको सीपीयू में ज्यादा पावर देखने मिलेगा और 10 टाइम्स आपको जीपीयू में पावर देखने मिलने वाला है और 30 टाइम्स ज्यादा ये बैटरी इफिशियंट होने वाला है। हाँ, एज पर स्नैपड्रैगन आपको ये क्लेम तो किया जा रहा है, बाकी ये रियल लाइफ में पता चल जाएगा रियल लाइफ टेस्टिंग में। बाकी देखो ऑन द पेपर तो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग ये चिप है। सबसे पहला क्लेम किया गया है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi का एक नया फोन आने वाला है जिसमें आपको ये चिपसेट देखने मिलेगा। देखो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट ना, ये फोन होने वाला है Xiaomi का 12 सीरीज का ही फोन, 12 अल्ट्रा हो सकता है। जैसे 11 अल्ट्रा आया था ना, कुछ उसी तरह आपको Xiaomi का 12 अल्ट्रा में देखने को ये चिप मिल सकता है। अभी ये फिलहाल रूमर्स चल रहा है, लेकिन Xiaomi का एक ऐसा फोन आने वाला है जिसमें 8 प्लस जेन 1 होगा। अगला फोन आता है Realme की तरफ से। Realme ने ये क्लेम कर दिया है और साथ में बता दिया है कि कौन से फोन के अंदर आने वाला है। ये प्रोसेसर आपको देखने मिलेगा Realme के GT2 सीरीज के कोई फोन के अंदर। देखो Realme का जो GT सीरीज होता है ना, उसमें दो चीजों में बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, पहला चार्जिंग स्पीड और दूसरा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में तो Realme ने रिवील कर ही दिया है कि इसमें आपको 8 प्लस जेन 1 होगा। दूसरा चार्जिंग स्पीड, जो पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, अभी तो 160 वोल्ट तो चल गया है, फ्यूचर में 200 वोल्ट भी पॉसिबल है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हाँ, Realme का GT2 के कोई नंबर सीरीज के अंदर आने वाला है ये प्रोसेसर में फोन, देखते हैं क्या होता है। अगला फोन है गाइस OnePlus का। OnePlus ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि 8 प्लस जेन 1 उनके एक फोन में आने वाला है, और जहां तक लग रहा है ना लीक्स के अकॉर्डिंग ये OnePlus का 10 अल्ट्रा होने वाला है। इस फोन का भी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ 10 अल्ट्रा एक ऐसा फोन होगा जो सभी फोन को टक्कर दे सकता है और हर मामले में एक फ्लैगशिप फोनों का फ्लैगशिप किलर, नहीं क्योंकि OnePlus अब फ्लैगशिप फोन्स बनाता है, फ्लैगशिप किलर फोन नहीं बनाता है। OnePlus का 10 अल्ट्रा का ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह का इसका रेंडर सामने है, कुछ इस तरह का हैवी लुक के साथ में ये फोन आने वाला है। प्रोसेसर बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो ऑफकोर्स आपको कैमरा में डिस्प्ले में बहुत ज्यादा मेहनत OnePlus करने वाला है। ये भी देखने वाली बात होगी कैसा फोन होगा, लेकिन हाँ OnePlus कभी इस प्रोसेसर में एक नया फोन आने वाला है। अगला फोन है iQOO का। iQOO का 10 Pro के अंदर देखने को मिलने वाला है Snapdragon 8 Plus Gen 1, और ये जो फोन होने वाला है ना उसमें आपको कैमरा बताया रहा है इस बार बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। देखो iQOO के फोन्स के अंदर परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा मिलता है और प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो ना बहुत ज्यादा कमाल का होता है। देखो iQOO हमेशा कोशिश करता है कि एक एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ में अपना फोन ड्रॉप करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो चीज पहुंच पाए। कुछ उसी तरह iQOO का 10 Pro भी आने वाला है जिसमें बताया जा रहा है चार्जिंग स्पीड आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है, कैमरा में बहुत ही ज्यादा हद तक इस बार iQOO अच्छे से काम करेगा। देखते हैं iQOO कौन सा फोन आएगा, क्या लगता है आपको, क्या और स्पेसिफिकेशन iQOO के 10 Pro में मिल सकता है, आप कमेंट करना। अगला फोन है गाइज हेलो मोटो की तरफ से। मोटो का भी एक नया फोन आने वाला है, मोटो फ्रंटियर, और बताया रहा है उसी फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 मिलने वाला है। और जो ये मोटोरोला का फ्रंटियर फोन होने वाला है ना, वो कर्व डिस्प्ले के साथ में तो आएगा ही, साथ में 196 मेगापिक्सल या राउंड ऑफ करके बोलो तो 200 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है, जो अभी तक का सबसे ज्यादा बड़ा कैमरा सेंसर होगा किसी फोन के अंदर। लिटरली इतना बड़ा दिखता है यार, बहुत ज्यादा बड़ा कैमरा सेटअप है। जो मोटरोला का फ्रंटियर के नाम से एक फोन आएगा जिसमें आपको ये प्रोसेसर में फोन मिलने वाला है। लिटरली हर कंपनी ट्वीट करती है कि हमारा एक ना एक फोन तो आ रहा है, लेकिन सैमसंग ने कोई भी ट्वीट नहीं किया। आखिरी एक कंपनी बच रहा था Asus, मतलब बहुत ही कम फोन्स वो लॉन्च करता है, लेकिन फिर भी Asus का एक गेमिंग फोन आने वाला है, Asus का ROG Phone 6। Asus ROG Phone 6 के अंदर आपको यही चिपसेट देखने को मिलने वाला है। अभी इसका भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ इस फोन का डिटेल्स कंफर्म हो चुके हैं कि Asus ROG Phone 6 के अंदर ये चिपसेट मिलने वाला है, और ये Asus के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में कंफर्म हो चुका है। कुछ इस तरह के फोन्स आने वाले हैं Snapdragon 8 Plus Gen 1 के साथ में, जितना अभी इन्फॉर्मेशन मेरे पास निकल के आया। कैसा लगा आज का ये वीडियो आप कमेंट कर सकते हो, और किस फोन में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो जरूर कमेंट करना। तो फिर फिलहाल भी बस इतना ही रखते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो में मजा आया होगा। कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो मजा आया तो इस वीडियो को आप एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बटन को बजा देना। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है गाइस, फिलहाल भी बस इतना ही रखते हैं, मिलते मिल करते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाई फाइव।